गंगा में नहाते वक्त भूलकर भी न करें ये 5 काम, आइए जानते हैं। जानने से पहले जो भी महादेव को दिल से मानते हैं वह वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। विशेष महत्व। सनातन धर्म में नदियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। इन नदियों में मोक्षदायिनी माँ गंगा विशेष महत्व रखती है, धुलते हैं पाप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए विशेष पर्व और मौकों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। लाभ। मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। नियम। गंगा में डुबकी लगाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिसका ख्याल गंगा स्नान के दौरान जरूर रखना चाहिए। प्रणाम। मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पहले माँ गंगा को छूकर प्रणाम करना चाहिए। चलिए अब बताते हैं कि स्नान के दौरान क्या नहीं करने चाहिए। मैल न धोएं। गंगा में डुबकी लगाने समय शरीर के मैल को उसमें नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा साबुन या शैंपू का इस्तेमाल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। न पोछे पानी। गंगा स्नान के बाद शरीर पर लगे पानी को नहीं पोछना चाहिए। कपड़े न धोएं। गंगा में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आप पाप के भागी बनते हैं। बता दें कि गंगा में कपड़े धोना भी पाप माना जाता है। गंदगी न फैलाएं। गंगा में माला, फूल या किसी भी तरह का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इससे आप पाप के भागी बनते हैं। नोट। ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।